ਸਤਿਗਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਮਾਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਜਾ ਜੀ ਅਜੇ पंजाब को लेकर आज फिर राहुल गांधी के घर पर अहम बैठक हुई है और इस बैठक में प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ साथ जो पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। तकरीबन डेढ़ घंटे तक ये बैठक चली है और ये माना जा रहा है कि अगले दो तीन दिनों में पंजाब को लेकर जो अहम ऐलान कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से होना है उसका खाका तैयार कर लिया गया है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। और कल ही प्रशांत किशोर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के एडवाइजर भी हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। अब ये माना जा रहा है कि पंजाब को लेकर कांग्रेस लीडरशिप ने पूरी तरह से जो फॉर्मूला है उसको लगभग हरी झंडी दे दी है और एक से दो दिनों का वक्त बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि अगले दो दिनों में कांग्रेस पार्टी ऐलान कर सकती है और खासतौर से जो सबकी नजर है कि नवजोत सिंह सिद्धू को किस तरह की भूमिका कांग्रेस लीडरशिप देगी उसको लेकर भी आज भी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी कहा गया कि वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, उनका उनकी जो भूमिका होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो साफ तौर से इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का प्रधान बना सकती है पार्टी। हालांकि इस बात का औपचारिक ऐलान जब तक नहीं हो जाता इसको कन्फर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन संकेत उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान बनाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार और संगठन में भी बदलाव होंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगले दो दिनों में ऐलान होगा उसके बाद वहां पे कैबिनेट रिशफल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का होगा, जिसमें कुछ लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है, जिन्हें वापस संगठन में भेजा जाएगा और कुछ लोगों को अहम जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सकते हैं। इसी तरह से संगठन दो सालों से पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नहीं है, उसका भी पुनर्गठन किया जाएगा, उसको भी दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसमें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को मिल सकती है। साथ ही 2022 को लेकर कई सारी कमेटियों का ऐलान करेगी कांग्रेस पार्टी, जिसमें मैनिफेस्टो कमेटी है, कैंपेन कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रताप सिंह बाजवा को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। इसी तरह और भी कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वादने अगली खबर वाल अगली खबर किसानों लिए वड्डी राहत वाली है। पंजाब सरकार ने मजदूरा किसान ते बेजमीना किसानों नु वड्डी राहत दिती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कर्जा माफ स्कीम दे तहत 590 करोड़ रुपए दा कर्जा माफ कर दे एक महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। इस संबंध विच सरकारी बुलारे ने मंगलवार नु हुई एक मीटिंग तो बाद दस्या के 20 अगस्त नु सूबा पदरी समागम विच चेक जारी किए जाणगे। सूबा सरकार खेतीबाड़ी सहकारी सभावां नु 3 लाख दे करीब मैंबरां दे कर्जे दा भुगतान करेगी। इस नाल ही हर मैंबर नु 20,000 रुपए की राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने वित्त अते सहकारिता विभाग नु इस फैसले नु प्रभावशाली ढंग नाल निर्देश दिते ने। पंजाब सरकार ने खेत मजदूरा अते बेजमीना किसानां लई कर्जा मुक्त स्कीम तैयार की है। दस दिए कि 2017 दे चोण वादिया तो बाद पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत हुण तक 5,64,000 किसानां दा 4,624 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। अगली खबर वाल वधदे आ, कोरोना वैक्सीन की कमी नू लैके कांग्रेस दे साबका प्रधान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार नू निशाने ते लिया। कई सूबिया विच कोरोना वैक्सीन की चल रही कमी का हवाला देंदे होए उन्हां केंद्र सरकार ते दोष लाए कि सरकार दे कोल जुमले ने टीके नहीं। उन्हें एक ट्वीट किया है कि जुमले है कि वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि सूबिया विच वैक्सीन की कमी चल रही है जबकि केंद्र सरकार ने इस तो इनकार किया है। इस तरह कांग्रेसी बुलारे जैवर शेरगिल ने दोष लाया कि वैक्सीन की भारी कमी चल रही है, केंद्र सरकार महंगाई विच वाधा करके जनता के जख्म से नमक लगा रही है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वैक्सीन 60 फीसदी की कमी और तेल दी कीमतों 60 बार वाधा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की एक ही नीति है कि लोगों को वैक्सीन दे तरसाया महंगाई लिए रुवाया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया कि साल के अंत तक देश की पूरी जनता को वैक्सीन दियां दोवें खुराकें मिल जाएंगियां। हुण ओह टीचा किवें पूरा होगा? एक तरफ टीकाकरण में 60% की गिरावट, दूसरी तरफ तेल की कीमतों में 60 बार बढ़ावट, जो दिखाता है भाजपा की जनता के प्रति केवल एक नीति है कि जनता को टीके के लिए तरसाओ और जनता को महंगाई से रुलाओ। आज देश की जनता पे एक तरफ सिर पे महंगाई के ओले पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ टीके का सूखा हो गया है। भाजपा की सरकार जनता पे दो धारी वार कर रही है, उनकी बचत और उनके स्वास्थ्य पे वार कर रही है। आज देश की जनता जानना चाहती है कि जिस नई वैक्सीन पॉलिसी का भाजपा ने देश भर में ढोल बजाया था, आज वो उसका हाल फटे ढोल वाला क्यों हो गया है। भाजपा सरकार का जो वादा था कि साल के अंत तक पूरी देश की जनता को दोनों टीके लग जाएंगे, वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा जब आज कई राज्यों में टीके का स्टॉक ही नहीं है। सत्य तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश में गोरों का राज लाई और भाजपा सरकार देश में महंगाई का राज लाई, क्योंकि भाजपा का केवल एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की जनता बचत मुक्त जनता होनी चाहिए। वधदे आ अगली खबर वल। रोपड़ भाखड़ा नहर च एक कार डुबन की सूचना प्राप्त हुई है। इस कार च 2 तो 3 लोग सवार होने की गल कही जा रही है, पर कुल किन्ने जने इस कार च सवार सन यह हाले तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कार हिमाचल प्रदेश की दसी जा रही है। सारी घटना अज सवेरे 8 बजे के करीब दसी जा रही है। गोताखोरों वालों गड्डी की भाल लगातार की जा रही है। उत्थे ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और पुलिस वालों भी लगातार गोताखोरों की मदद नाल गड्डी की भाल की जा रही है। जानकारी मुताबिक यह कार भाखड़ा नहर के पुल तो लंघ रही थी, जिस दौरान कार नहर च जा डिगी और यह सारा हादसा वापर गया। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। अगली खबर खेडा नाल जुड़ी है। पंजाब लई बड़े माण वाली गल है कि सूबे का एक होर नौजवान जापान विच हो रही ओलंपिक खेडा विच हिस्सा लैन जा रहा है। यह नौजवान जिला गुरदासपुर के बटाला नेड़ले पिंड चाहल कला का सिमरजीत सिंह है, जिसकी भारतीय हाकी टीम विच सिलेक्शन हो गई है, जिसनों लैके परिवार विच खुशी की लहर है। इसके संबंध में उसके परिवार ते कोच का की कहना है, तुसी भी सुनो। हुण तो बड़ी खुशी है जी, असीं ते हाकी एसोसीएशन का धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने इन्हां बच्चों नूं मौका दिता और परमात्मा करे कि बच्चे गोल्ड लैके आउण। अमरनजीत सिंह एक ओलंपिक टीम दे विच सिलेक्ट होया, पिंड चाल कलां नूं बिलोंग करदा। ते शुरू तो ही उन्हूं बचपन तो ही हाकी का बहुत शौक सी, इत्थे ही खेडदा सी। उस तो बाद चीमा अकैडमी विच उसने दाखला लिया, उत्थे भी उहदा बहुत ही वधिया टैलेंट सीगा। टैलेंट दे नाल नाल अजे उह इक मैन बहुत वधिया सीगा। उस तो बाद उह हौली हौली टूरनामेंट होया के जी सिंह बाबू नखलऊ, उत्थे खेडन गए आपां, साडा फाइनल नखलऊ दे नाल सीगा। तो उत्थे बहुत ही वधिया खेडिया, टूरनामेंट का बेस्ट प्लेयर निकलिया। उत्थे जमन लाल शर्मा सीगा, इंडिया की दे IHF इंडिया की दे प्रधान सीगे, उन्होंने खुद मैनू आवाज़ मारी भी जिहड़े बटाले टीम के कोच आ चीमा हाकी अकैडमी दे, मेरे कोल आओ। मैं गया, उन्होंने मैनू सद के इहो कहा भी ये बच्चा बहुत होनहार आ, आने वाले टाइम दे विच ए इंडिया जरूर खेडूगा, ओलंपियन बनूगा। वो अज वो दिन आ गया साडे वास्ते, वो प्लेयर ने सानू एक खेड के दसिया अपना वधिया हुनर जिहड़ा वो ग्राउंड दे विच दिखाया, ते अज ओलंपिक टीम दे विच वो सिलेक्ट होया। ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ। ਜਲਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ 590 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।
वैक्सीन की कमी लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कसा तंज, कहा ड्रामेबाज एक सरकार, जावेद शेरगिल ने भी घेरी मोदी सरकार। पंजाब का नौजवान जापान में हो रही ओलंपिक खेडा च शामिल, सूबे लिए मान की गल।